हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ड्रीम चिल्ड्रन के बारे में। ड्रीम चिल्ड्रन जो है ये आपके एक ऐसे लगा हुआ है, ये चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है। ठीक है, तो चार्ल्स लैम्ब जो थे वो एक एसेज थे और ये ऐसेज लिखते थे। तो इनका ये ऐसे है, ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी। तो पहले हम चार्ल्स लैम्ब के बारे में बात कर लेते हैं। चार्ल्स लैम्ब वॉज बॉर्न इन लंडन 10th of February 1775, वॉज एन इंग्लिश एसेइस्ट बेस्ट नोन फॉर हिज एसेज ऑफ इलिया एंड फॉर द चिल्ड्रंस बुक। लैम्ब वॉज द सन ऑफ एलिजाबेथ फील्ड एंड जॉन लैम्ब। ही वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड विद अ सिस्टर मैरी, अ ब्रदर जॉन एंड फोर अदर सिबलिंग्स। ये इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में था कि भाई जो इनकी इनका जो जन्म था वो 1775 में हुआ था, और ये जाने जाते हैं अपने एक वर्क है इनका एसेज ऑफ इलिया, और ये ऐसे भी वहीं से लिया गया है। चार्ल्स लैम्ब इन 1819 एट एज 44, लैम्ब हु बिकॉज ऑफ फैमिली कमिटमेंट्स हैड नेवर मैरिड, फेल इन लव विद एन एक्ट्रेस एंड प्रपोज्ड मैरिज। शी रिफ्यूज्ड हिम एंड ही डाइड अ बैचलर। इन्होंने कभी शादी नहीं की थी, ये हमेशा बैचलर रहे थे, और फैमिली के कमिटमेंट्स की वजह से, जैसे इनकी जो बहन थी वो थोड़ी उनको फिट्स आते थे, जिसकी वजह से इन्होंने शादी नहीं की थी। और कहते हैं कि एक फिट्स के अंदर ही इन्होंने, जो इनकी बहन थी, उन्होंने अपनी मदर को मार दिया था। वर्क ऑफ चार्ल्स लैम्ब। लैम्ब्स फर्स्ट पब्लिकेशन वॉज द इंक्लूजन ऑफ फोर सोनेट्स पब्लिश्ड इन 1796 बाई जोसेफ कॉटल। वर्क्स एंड लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब। इन द फर्स्ट ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी, लैम्ब बिगेन इज लिटरेरी कोऑपरेशन विद हिज सिस्टर मैरी। टुगेदर दे रोट एटलीस्ट 3 बुक्स। लैम्ब वॉज ऑनर्ड बाई अ ग्रामर स्कूल इन एडमॉन्टन। चार्ल्स लैम्ब डाइड इन एडमॉन्टन ऑन 27 दिसंबर 1834। समरी ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन। तो अब आते हैं हम ऐसे पे कि ड्रीम चिल्ड्रन जो ऐसे है वो किस बारे में है। द चिल्ड्रन ऑफ जेम्स इलिया जॉन एंड एलिस आस्क्ड लैम्ब टू टेल देम अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंड मदर मिसिज फील्ड। अब हमें पता है कि जो चार्ल्स लैम्ब है वो उन्होंने कभी शादी नहीं की थी, तो उनके बच्चे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक एक तरीके से इसको इमेजिन किया है। द हाउस बिलोंग्ड टू अ रिच नोबल मैन। ग्रैंड मदर फील्ड वॉज द कीपर ऑफ द हाउस एंड शी लुक्ड आफ्टर द हाउस विद ग्रेट केयर एज दो इट वॉज हर ओन। द चिल्ड्रन हैड कम टू नो द स्टोरी फ्रॉम द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड इन द हाउस। द स्टोरी वॉज कार्व्ड इन वुड अपॉन द चिमनी पीस। बट अ फुलिश रिच पर्सन लेटर पुल डाउन द वुडन चिमनी एंड पुट अ चिमनी ऑफ मार्बल। एलिस वॉज वेरी अनहैप्पी दैट द रिच मैन हैड पुल डाउन द चिमनी पीस विद द स्टोरी। शी लुकड अप ब्रेडिंग एंड हर एंगर वॉज लाइक हर मदर्स। वेन द हाउस केम टू डिके लेटर आफ्टर द डेथ ऑफ मिसेज फील्ड, द नोबल मैन कैरिड अवे द ऑर्नामेंट्स ऑफ द हाउस एंड यूज देम इन हिज न्यू हाउस। The ornaments of the old house looked very awkward in the new house. Things look beautiful only if they are in harmony with the surroundings. John enjoyed the comparison and smiled as if he also felt it would be very awkward indeed. Grandmother was also very religious. Alice here spread her hands as if she was not interested in the praise of her quality of the grandmother. Children find it difficult to learn lessons by heart. Grandmother Field did not fear the spirits of the two infants which hunted the house at night, so she slept alone. But Elia used to sleep with his maid, as he was not so religious. When the grandmother died, many people in the neighborhood attended her funeral. She was also a good dancer when she was young. Here Alice moved her feet unconsciously as she too was interested in dancing. Grandmother was tall and upright, but later she was bowed down by a disease called cancer. In the garden, there were fruits like nectarines, peaches, oranges, and others. Elia never plucked them, but rather enjoyed looking at them. Here, John deposited a bunch of grapes upon the plate again. He was showing that he too was not tempted by fruits. From all the grandchildren, Grandmother Field loved John the most. John was lively and spirited, fond of riding, hunting, and outdoor activities. He used to take James Elia upon his back out for outings, as James Elia was lame-footed. But James was sorry for it. John died later, and James missed him too much. The children began to cry
at the sad turn of events. They asked him to continue the story of Uncle John, but to tell them about their dead mother. The father began to tell them how he had courted their mother, Alice, for 7 years. He was at times hopeful of winning her and at times in despair. He explained to them what coyness, difficulty, and denial mean in an unmarried lady. When the father looked at Alice, she looked at that time very much like her mother. Thereafter, the children began to grow fainter. They began to go away further and further till the father could hardly see them. From a great distance, they seemed to say that they were not the children of Alice nor of him. They were not children at all. They were only what might have been. When he woke up, he found himself in an armchair. He had fallen asleep and he had been dreaming. James Celia had vanished. On the chair was only Charles Lamb. Thank you so much. This तो ये जो